भाई साहब आपका दोस्त आ चुका है इस वीक की तगड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खबरें, तो वीडियो को एंड तक देखना। सीधा शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे एक बुरी बात हुई, पहली बार भाई बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जल के राख हो चुकी है। एंड ये भाई हुआ है, एंड ये बहुत बुरी बात हुई क्योंकि भाई मैं बजाज से ये नहीं, मतलब ऐसा लगता नहीं था मुझे हो सकता है बजाज के साथ, बट ये मुझे नहीं लगता बैटरी का इशू है। ये जो इशू रहेगा मोस्टली जो है आई गेस जो वायरिंग होती है उसमें कुछ फॉल्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर शॉर्ट सर्किट की वजह से जली होगी। अभी तक फाइनल आउटपुट नहीं मिला है। बजाज कंपनी ने बोला है इंसिडेंट इज बीइंग प्रोब्ड, वो प्रोब कर रहे हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर। एज यू कैन सी यहाँ पे जलने का वीडियो भी आ चुका है, आप देख सकते हो पूरा, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ आपके लिए। एंड ये जो हुआ ना, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्रांड लाइक बजाज चेतक, बट छत्रपति संभाजी नगर में ये महाराष्ट्र में हुआ है। जो आप देख सकते हो काले रंग की बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो जल रही है, एंड ये पिछले साइड से धुआं निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वायरिंग हार्नेस है उसमें पिछली तरफ कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जो मोटर है उसकी तरफ जो कनेक्शन रहे थे उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और उसके वजह से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जली होगी। बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलती कंपनी की है, कुछ चीजें होती रहती है भाई। कंपनी जो है ना वो स्कूटर तो सभी अच्छी तरीके की ही बनाती है, बट कहां कहां पे फॉल्ट हो सकता है। जाते हैं दूसरे न्यूज पर। यहां पे होंडा जो है, फाइनली आपको पता है होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है। यहां पे QC1 एक्टिवा ई और QC1 इस दो नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आएगी और यहाँ पे फीचर्स बाकी देने की कोशिश की है। मिंट का ये मैं बोलता हूँ एक अच्छी तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हो चार मॉडल्स इन्होंने सामने रखे हैं, इसमें से दो दो मॉडल्स है, कुछ दो मॉडल्स एक्टिवा ई के है, दो मॉडल्स QC1 के है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे November 27, 2024 को यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, एंड इसमें अब बोला जा रहा है कि 102 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा, 1.5 kWh के दो बैटरी पैक्स रहेंगे। जैसे अभी ओला कर रहा है उनके गी इलेक्ट्रिक स्कूटर में या S1Z इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो बैटरी पैक्स आ जाएंगे, 1.5 kWh 1.5 kWh के दो बैटरी पैक्स, 102 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिल जाएगा, 6 किलोवाट पिक पावर वाली मोटर एक्टिवा ई में रहेगी, ऐसा बोला जा रहा है। यह मतलब आप देखो हीरो मोटोकॉर्प का विडा है या एथर का रिस्टा है या इवन जो ओला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर S1Z ला रहा है उसमें भी 6 किलोवाट का बैटरी पैक है। यही अभी आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। 7 इंच का स्क्रीन रहेगा एंड दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर विल ब्लो योर माइंड बिकॉज भाई हीरो मोटोकॉर्प का हो गया, बजाज का हो गया, टीवीएस का हो गया, बट होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक मार्केट में नहीं आया था, तो वो भी आ चुका है। 80 किलोमीटर का रेंज उसका छोटा वर्जन है QC1, उसमें 80 किलोमीटर का रेंज आपको मिल जाएगा, ऑफ बोर्ड चार्जर मिल जाएगा, 6.5 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। एंड ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बोला जा रहा है कि दोनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है विल इनिशियली विल अवेलेबल इन द सिलेक्टेड सिटीज सच एज बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई। पहले ये बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में मिलेंगे, पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाने की हम कोशिश करते हैं। होंडा एक्टिवा ई आपके सामने ही डाल रहा हूं मैं, होंडा एक्टिवा ई, एंड यहां पे आप देखो कुछ उनके भी तरफ से कुछ वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो ये एक्टिवा जो है ये अभी की है, बट हम ईवी में जब जाते हैं तो ईवी में आप देखो ये दो मॉडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो इनके वेबसाइट पे भी आ चुका है। एक्टिवा ई पे अगर हम टैप करेंगे तो एज यू कैन सी आई होप ये खुलना चाहिए। ओके, तो ये एक्टिवा ई ऐसे दिखने वाला है। अभी तक इन्होंने कुछ जानकारी यहाँ पे डाली नहीं है, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस पे टाइप करूँ आई होप स्पेसिफिकेशंस दिखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो परफॉर्मेंस क्लियरली यहाँ पे होंडा एक्टिवा ई का, ये किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक बताया नहीं है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये दिखा रहा हूँ। होंडा एक्टिवा ई जो है इसमें आपको दो वर्जन मिल जाएंगे, एक्टिवा ई ओके ड्यो और एक्टिवा ई, दोनों में 102 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा, 80 km/h का टॉप स्पीड मिलेगा, 0 to 60 करेगी 7.3 सेकंड्स में, मैक्सिमम टॉर्क जो है 22 न्यूटन का मिलेगा एंड ग्रिड एबिलिटी 13 डिग्री की मिल जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट मोटर, आप मोटर देख सकते हो PMSM टेक्नोलॉजी की 6 किलोवाट वाली मोटर मिल जाएगी। वारंटी की बात करें तो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। बैटरी की बात करें तो स्वैपेबल बैटरी पैक्स मिल जाएंगे, दो दो बैटरी पैक्स लिथियम आयन के IP65 रेटेड रहेंगे, 1.5 kWh का 8 बैटरी पैक रहेगा, ऐसे दो बैटरी पैक्स मिल जाएंगे। तो ये जो है ये होंडा एक्टिवा ई थी। अगर फिर से हम ईवी पे जाए और QC1 की बात करें तो लेट्स सी QC1 क्या दे रहा है। QC1 दिखने के लिए थोड़ा सा सिंपल सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जाऊँ तो हियर यू कैन सी द स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 80 का ही रेंज आपको मिलेगा QC1 में, 50 का टॉप स्पीड मिलेगा, 9.4 सेकंड में 0 to 40 कर देगा, मैक्सिमम टॉर्क
77 कैसे लिखा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ग्रिडेबिलिटी 60 डिग्री का मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा, क्योंकि इसमें बैटरी आप देखो 1.5 kWh की है, तो बराबर है, रेंज उतना ही मिलेगा ये बोल रहा है उतना। एंड 1.8 kW का मोटर है। वारंटी आप देखो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की मिल जाएगी। फीचर्स आप देखो, इसमें 2 मोड्स मिल जाएंगे, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाएगा। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये लेना है तो भाई मिल तो जाएगा, बट जो डिलीवरी है उसमें टाइम लगेगा। ये मुझे लगता है अप्रैल 2025 में आपको मिलेगा। अभी इनका ये देखो, मैं जस्ट वन क्लिक कर रहा हूँ, इनका ये ब्रोशर भी आ चुका है, यू कैन सी दिस ब्रोशर, मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना है, यू कैन सी दिस अमेजिंग ब्रोशर ऑफ QC1। नाइस राइट, ओके अच्छा ब्रोशर है, लुक्स भी अच्छे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के। एंड यू कैन सी यहाँ पे दिखा है ड्राइविंग द जीरो बाउंड्रीज, ये अर्थ को बचाना चाहते हैं, कैसे बचाएंगे आई डोंट नो। एंड ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखो आप, अच्छी दिख रही है, ओके एक मतलब यूथ ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें स्टाइलिंग भी बहुत अच्छा खासा है, एज यू कैन सी मिरर्स वगैरह, एलिगेंट डिजाइन है, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको, पीछे आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाएंगे, स्लिक रियर लुक्स अच्छे हैं एकदम QC1 के। लाइकवाइज आप बूट स्पेस देखो, लगभग आपको तगड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। जो बैटरी है वो फिक्स बैटरी पैक है यहाँ पे 1.5 kWh का QC1 में, 330 वाट का चार्जर है, इको एंड स्टैंडर्ड मोड इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपलिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, QC1 इज अ सिंपलिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर। और जो दूसरा है एक्टिवा, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, भाई हमें जाना है रिसेंट में, एंड वी वॉन्ट टू गो ऑन दिस क्रोम, एंड यहाँ पे मैं ईवी में जाके आई विल सिलेक्ट एक्टिवा। एंड एक्टिवा सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको सीधा इसका ब्रोशर दिखा देता हूँ, ब्रोशर खुल चुका है। ओके तो ये ब्रोशर है, दिस इज होंडा एक्टिवा ई, एज यू कैन सी बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर विद द डिटैचेबल बैटरी पैक्स। एंड यू विल गेट दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर अमेजिंगली शेप्ड एंड अमेजिंगली डिजाइंड। फर्दर आप देखो एक्टिवा नाम दिया है, मतलब एक्टिवा जैसा काम भी करेगी। एंड स्लिक डिजाइन, मुझे लगता है PMSM मोटर यहाँ पे पीछे आ जाएगा, डिस्क ब्रेक आगे है, पीछे ड्रम ब्रेक है, सोफिस्टिकेटेड रीडिफाइंड डिजाइन दैट कैप्टिवेट्स एट एवरी ग्लांस, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। लाइट्स जो है स्टाइलिश दिए LED के, स्ट्रीमलाइंड एलिगेंस है, बहुत अच्छे खासे अलॉय व्हील्स है, पीछे रेयर आप लैंप्स देख सकते हो। एंड यू कैन सी दिस अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर विद द स्वैपेबल बैटरी पैक, तो ईजिली कैरी कर रही है, मतलब ये जो बैटरी पैक है इसका वेट भी कम हो सकता है। तो ये थी भाई दूसरी न्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं बोलूंगा, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री में भाई अच्छी बातें होती रहती है, वो आपके सामने लाना ये मेरा कर्तव्य है। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरा देखना, थोड़ा लंबा वीडियो है बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो होंडा जो है वो डेब्यू हो चुका है, पहले मैंने आपको बोला बजाज चेतक का प्रॉब्लम, और कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर जले है, जैसे नई मुंबई में इलेक्ट्रिक स्कूटर जला है, देन यू कैन सी डैमेज हुआ ओडिशा में इलेक्ट्रिक स्कूटर जला है, देन चेतक हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, यस आई वुड अप्रिशिएट, बिकॉज थर्ड नंबर पे आ चुके हैं एक्टिवा ई चैलेंजर्स 450S, राइट ओके। iQube जो है अभी TVS का मिलेगा श्रीलंका में, श्रीलंका में भी iQube बेचा जा रहा है अभी, पहले सिर्फ इंडिया में मिलता था, अभी श्रीलंका में भी बेचा जाएगा। ये सारी न्यूज है, और क्या न्यूज है एक बार देखते हम, ओके इलेक्ट्रिक स्कूटर न्यूज इन गुजराती, अरे भाई क्यों गुजराती भाई, स्मोक इलेक्ट्रिक स्कूटर, बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर कैचेस फायर, बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर जलने की बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ दिया है, बट मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ईवी इंडस्ट्री में अभी हीरो मोटोकॉर्प का V2 है, होंडा का भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है, बजाज इज ऑल्सो हैविंग देयर इलेक्ट्रिक स्कूटर, TVS इज ऑल्सो हैविंग देयर इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड आई होप आपको ये जो अपडेट मैंने दिया है न्यूज़ का ये अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।